ग्राम सरौली हरेटीपुर में 326 परिवार गौंड, अहीर, लोहार, चमार, मेहरा आदि समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर 1985 में एक बांध बना था जिसके कैनाल के मुआवजा आज तक नहीं मिला है और ना ही इस कैनाल से लोगों को कोई फ़ायदा मिल रहा है। सिंचाई के उपयोग में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, अभी कम से कम 27-28 साल नहर बंधी हुआ, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं है। नहर का सही ढंग से बना भी नहीं है, हमारा सिंचाई भी सही ढंग से हो नहीं रहा है और बड़ी समस्या है, क्योंकि हमको पैसा तो आ चुके हैं कैनाल के, जो 100 लोगों का दबा गया है तो वो निकल चुके हैं कहते हैं, लेकिन उसको पुराने रेट में कहते हैं ना, हमको चाहिए अब नया रेट के लिए। इसलिए नहर को सही ढंग से बनवाया जाए ताकि हमारा सिंचित हो जाए, ताकि हमारा भी उपयोग होने लगा। क्या समस्या है आप? बहुत समस्या खराब है भाई। ये बांध कब बना था? 80-85 के। इस बांध बनने से आपको फायदा हो रहा है? कुछ फायदा नहीं। कैनाल से पानी मिलता है? नहीं मिलता है। इतने लोगों की जमीन दबी है? 80-90 आदमी की जमीन है भाई। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हमारा नहर सही होना चाहिए और से मौजा मिलना चाहिए। हमारा जो दबा है 100 किसानों का दबा है सरौली हराटी को, साताबीली का मौजा मिलना चाहिए, नया रेट में मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ जितने किसानों की कैनाल में जमीनें दबी हुई हैं उन किसानों को मुआवजा मिलनी चाहिए और कैनाल को सही तरीके से ठीक करवाई जाए ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मिल सके। मैं वीडियो देखने वाले श्रोताओं से अपील करती हूँ, कृपया इस पते पर कॉल कर हमारी मदद करें। नायब तहसीलदार कुंडम श्री राजेश कौशिक, मोबाइल नंबर 9424-31-9144। मैं सरोज परस्ते, ग्राम सरौली हरटीकुर, विकासखंड कुंडम, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।